दोस्तों, यदि आप भी सूर्य कुमार यादव को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित कोहली हुए ध्वस्त तो सूर्य की पारी से अफ्रीका हुई पस्त। सूर्य के बल्ले की गरज से दहल उठा अफ्रीका तो सूर्य कुमार की 50 रन पर भारतीय खेमे ने ऐसा मनाया जश्न जिस पर आपका भी दिल दहल उठेगा। तो कैसे बना सूर्या के अर्धशतक का ऐतिहासिक पल और कैसे कप्तान रोहित के साथ ही विराट कोहली के रिएक्शन ने जीत लिया करोड़ों लोगों का दिल। वीडियो में हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव विश्व कप में शतक लगा पाएंगे या फिर नहीं, इस बात का जवाब नीचे में कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की उम्मीदों को जिंदा रख भारतीय टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्का करना चाहती थी, लेकिन अफ्रीकी गेंदबाजों ने खेल शुरू होते ही हमारे सपनों को चकनाचूर कर 50 रनों के भीतर ही रोहित कोहली के साथ ही टॉप 5 बल्लेबाजों को पवेलियन में बिठा दिया, जिसके बाद तो अफ्रीका का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर था और वो इस मैच में जीत के सपने देखने लगे थे। लेकिन उनके और जीत के बीच आ गए सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले से कहर बरपाते हुए रबाडा से लेकर केशव महाराज और नौक्सिया तक के परखच्चे उड़ा कर रख दिए और चौके और छक्कों की बरसात करते हुए उन्होंने न सिर्फ भारतीय पारी को संभाला बल्कि 30 गेंदों पर 50 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसे हर क्रिकेट प्रेमी दर्शकों तक सभी को याद रहेगा। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 3 तूफानी छक्के तो वहीं 3 खतरनाक चौके भी लगाए और पूरे मैदान में हर तरफ सूर्या सूर्या बस यही सुनाई दे रहा था। और जब उन्होंने एंगीदी को चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया तो पूरे भारतीय खेमे ने खड़े होकर सूर्य कुमार यादव के सम्मान में तालियां बजाई और उनकी इस उपलब्धि पर रोहित कोहली के साथ हेड कोच राहुल द्रविड़ भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और उनके चेहरे पर सूर्या की इस पारी की खुशी साफ देखी जा सकती है। इसके अलावा पूरे स्टेडियम में लोगों ने तालियां बजाकर सूर्या के अर्धशतक को सेलिब्रेट किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम फाइनल में पहुंच पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।